Hey guys, what is up? क्या हाल चाल है आप लोगों के? और आज मैं बात करूंगा HP Reverb G2 के बारे में, क्योंकि इंडिया में अगर आप PC VR हेडसेट के बारे में बात करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर बहुत ही कम ऑप्शन है। अगर आप Amazon पे देखोगे तो आपको शायद Rift S आपको मिल जाएगा, या फिर Lenovo का एक विंडो मिक्स रियलिटी हेडसेट है वो आप खरीद पाओगे। अदरवाइज आप STC वगैरह पे जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा महंगे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में यहाँ पर सपोर्ट वगैरह नहीं मिलती है, बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं। लेकिन HP Reverb G2 है, उसे HP ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है, ऑफिशियली लॉन्च कर ही रहे हैं, अभी प्री ऑर्डर पे है। और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इनका जो प्राइस है इंडिया में वो है सिर्फ 52,000। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया Oculus Rift S अगर आप खरीद रहे हो और ये पुराना हेडसेट है, और इवन जो Oculus है उसके जो सपोर्ट वगैरह अभी कुछ टाइम में डिसकंटिन्यू करने वाला है, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपके पास जो अच्छा खासा अभी एक ऑप्शन है HP Reverb G2 लेने का। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर Oculus Quest 2 है उसे ऑर्डर कर दिया है, तो हो सकता है एक या दो वीक में मेरे पास आ जाए। तो अनबॉक्सिंग वगैरह अगर उसकी देखनी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा भी अगर AR VR से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट देखना है इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब बात करूं अगर मैं HP Reverb G2 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये जो हेडसेट है HP Reverb G2, ये सेकंड जनरेशन हेडसेट है HP की तरफ से। इससे पहले G1 भी लॉन्च हो चुका था, लेकिन HP Reverb G2 में उससे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। और HP Reverb G2 अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिया ही क्या, इंटरनेशनल भी आप किसी भी हेडसेट को जो भी अवेलेबल है उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये हेडसेट की स्पेसिफिकेशन वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम पर। काफ़ी यार अच्छी खासी PC VR रिलेटेड आपको अगर जो हेडसेट लेना है तो इसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगी। अब मैं बात करूं ऑब्वियसली यहाँ पर इसके डिज़ाइन से ही, तो डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर इनसाइड आउट ट्रैकिंग आपको मिलेगी, कैमराज हैं, चार कैमराज हैं। और अगर इसको थोड़ा अगर आप देखोगे तो रिसेम्बलेंस जो है वो कुछ कुछ आपकी जो वॉल्व इंडेक्स रहता है, वॉल्व इंडेक्स हेडसेट उसकी तरह आपको दिखेगा। हेडबैंड जो है इसका वैसा ही कुछ है, और ऑब्वियसली होगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेडसेट है उनके कोलैबोरेशन के साथ ही बना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसका जो वेट वगैरह है वो काफ़ी लाइट वेट होने वाला है, 500 ग्राम के करीब है, ऑलमोस्ट यहाँ पर Rift S के बराबर है। तो यहाँ पर कम्फर्ट और डिज़ाइन मुझे लगता है इस हेडसेट का काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि वॉल्व इंडेक्स के जो लोग बोलते हैं कि जो उसका जो कंफर्ट लेवल है बहुत ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर भी आपको जो कंफर्ट लेवल है अच्छा मिलेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसकी मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये एक PC VR हेडसेट है। जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए आपको एक PC की ज़रूरत होगी, काफ़ी बीफी PC की ज़रूरत होगी, और वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो मिलता है आपको 4K डिस्प्ले है, यहाँ पर दो LCD स्क्रीन है और 21:60 जिसकी रेजोल्यूशन है, तो कंबाइन रेजोल्यूशन उसकी 4K है, प्रॉपर 4K है। और इसी वजह से यहाँ पर जो स्क्रीन डोर इफेक्ट है वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है आपके, यानी कि आपको दिखेगा ही नहीं ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्रीन डोर इफेक्ट। इवन ये जो रेजोल्यूशन है ये किसी भी हेडसेट में, चाहे वो वॉल्व इंडेक्स हो, उससे भी यहाँ पर बेटर है। तो रेजोल्यूशन वाइज मुझे यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया लगा। और यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, यहाँ मेरा डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो RGB जो सब पिक्सल अरेंजमेंट है उस वजह से यहाँ पर आपको जो स्क्रीन डोर इफेक्ट है वो कम मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले है ये है 90Hz का। अब जो वॉल्व इंडेक्स की तरह आपको 144Hz तक का डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है उसके हिसाब से 90Hz यहाँ पर काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ पर जो लेंसेज हैं वो यहाँ पर इंप्रूव्ड हैं जो HP के Reverb G1 से, और यहाँ पर आपको मोरे या फिर जो गॉडरेज वगैरह मिलता था HP G1 में वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू की बात करूँ तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 114 डिग्री के करीब, 114, और ये जो फील्ड ऑफ व्यू है ये वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू है। तो आपको अगर मैं इसको वॉल्व से कंपेयर करूँ, वॉल्व इंडेक्स से, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, यहाँ पर उतना नहीं है। लेकिन अगर आप इसको Oculus Rift S से कंपेयर करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। उसके बाद ये जो हेडसेट है ये इनसाइड आउट ट्रैकिंग है उसे सपोर्ट करता है, इसमें आपको 4 कैमराज दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोलर्स हैं इन्होंने अभी जो चेंज किए हैं, लास्ट जो मिक्स रियलिटी वाले जो कंट्रोलर होते थे वो कहा जाता था यार बहुत ज़्यादा एर्गोनॉमिकल नहीं है, लेकिन अभी जो इन्होंने अपने जो कंट्रोलर्स हैं उसे चेंज कर दिया है, तो ट्रैक पैड वगैरह हटा के अब यहाँ पर बटन लेआउट है, जो कि काफ़ी हद तक जो Rift के जो Oculus के जो कंट्रोलर्स होते हैं उसी की तरह है। तो कंट्रोलर्स यहाँ पर चेंज हुए हैं जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली एक बार जो ये विंडोज मिक्स रियलिटी वाले जो कंट्रोलर्स हैं उन्हें ट्राई किया था, और ऑब्वियसली यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी सही है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर स्पीकर्स की, जैसे मैंने बताया इसमें आपको स्पीकर्स मिलते हैं वो आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, जैसे वॉल्व के इंडेक्स में मिलते थे, और उसी तरह के स्पीकर्स हैं, एग्जैक्टली सेम स्पीकर रहेंगे, 10mm का ड्राइवर रहेगा, तो आपको अलग से कोई स्पीकर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको करनी भी होगी तो इसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक है वो दिया गया है। अब मैं Rift S यूज़ करता हूँ और Rift S के जो स्पीकर्स हैं बहुत ही बकवास हैं, बहुत ही घटिया, और हर बार मुझे अलग से हेडसेट लगाने ही पड़ते हैं। तो एक चीज़ और भी है कंसीडर करने वाली यहाँ पर, कि आपको स्पीकर इसमें मिल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया होंगे, और उसके बाद इसमें आपको इंटीग्रेटेड माइक भी मिलता है, तो आप चैट वगैरह भी कर सकते हो, और इवन अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी आप उसको यूज़ कर पाओगे। इसमें जो केबल आपको मिलेगी वो मिलेगी 6 मीटर की,
ऑकुलस रिफ्ट एस में आपको मिलती है 5 मीटर की, तो 5 मीटर भी काफ़ी सफिशिएंट होता है। 6 मीटर ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा लंबी तार, और तार यार मतलब वैसे तो जो भी वीआर हेडसेट्स हैं या फिर अब आने वाले फ्यूचर में वायरलेस होना चाहिए, लेकिन ये एक डेडिकेटेड पीसी वीआर है तो आपको वायर के साथ ही रहना पड़ेगा। अब वायर्स को मैं खुद से मैनेज करता हूँ, तो मैंने तो ऐसे ऊपर पुलिस के थ्रू लगा रखा है, और मेरे को लगता है कि अगर आप पीसी वीआर हेडसेट यूज़ करते हो तो आपको वायर के साथ तो थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा काम। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको मिलती हैं अगर इसके जीवन से आप इसको कंपेयर करोगे, या फिर अभी जो मार्केट में जितने भी आपको हेडसेट मिलते हैं पीसी वीआर वाले, उसमें उसके हिसाब से यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी खासी आपको इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, स्पेसिफिकेशन बहुत ही कमाल की है। और पर्सनली मुझे यहाँ पर जो इंडिया में इसका जो प्राइस पॉइंट है 52,000 का काफ़ी सही लगा, क्योंकि इस प्राइस पे आप अगर दूसरे हेडसेट अभी खरीदने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको या तो पुरानी जनरेशन के मिलेंगे या फिर जो स्पेसिफिकेशन होगी वो आपको काफ़ी यार उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस प्राइस पे इंडिया में ही एचपी का रिवर्ब G2 ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है, और जैसे मैंने बताया आपको खरीदना होगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन अभी आप सिर्फ उसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं, और अभी उसकी शिपिंग वगैरह जल्दी से जल्दी यहाँ पर चालू हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एचपी टीम से बात करी थी, तो यहाँ पर जो प्री ऑर्डर का जो भी प्राइस है ये 52,000 है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मतलब ये प्राइस बढ़ जाएगा जैसे ही ऑफिशियल लॉन्च होगा, लेकिन मैंने एचपी की टीम से भी बात करी थी कि ये जो डिस्काउंट है कब तक रहने वाला है, तो उनका कहना था कि इंडिया में जिस हिसाब से सिचुएशन होगा उसके हिसाब से ये जो डिस्काउंट है हो सकता है आपको दिसंबर तक देखने मिले, लेकिन अभी जिन्होंने भी ये ऑर्डर करा है, प्री ऑर्डर किया, उनको शायद नवंबर में ये जो हेडसेट है धीरे धीरे शिप होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने इसको खरीदना होगा, मैंने जैसे बताया लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं खुद पर्सनली ये जो हेडसेट है उसे लेने की सोच रहा हूँ, होपफुली मेरे पास यहाँ पर एक रिव्यू यूनिट आएगा तो मैं उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ मैं HP Reverb G2 से रिलेटेड इस चैनल पर डालने वाला हूँ, तो अगर आप उस चीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी किसी तरह से अगर आप ARVR रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, गेम प्लेस देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आए, आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोज़ लेके आऊँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।